ये कहानी बहुत साल पहले की है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश के साथ हिमालय की गोद में इस छोटी सी कुटिया में रहते थे। भगवान शिव और देवी पार्वती उस वक्त शंकर और अन्नपूर्णा के नाम से इस धरती पर एक साधारण सी जिंदगी बिता रहे थे। देखता हूँ तुम में से कौन मुझे हरा सकता है। ये कार्तिक पता नहीं कैसे लकड़ी से अपने आप तलवार और भाले बना लेता है, कोई इसके सामने टिक ही नहीं पाता। मैंने तुम चारों को अकेले हरा दिया, अब तो मानोगे कि मैं तुम सबसे अधिक बलवान हूँ। ये कार्तिक अपने आप को समझता क्या है? ये दो भाई कार्तिक और गणेश हमारे साथ खेलने आते हैं और हम ही को हरा देते हैं। इनको हराने का एक ही तरीका है, तो सब लोग अपने हाथ की लाठी उठा के एक साथ इस पे वार करो। तुम सबको पता है ना कि अगर मेरी बात तुम लोग नहीं सुनोगे तो मेरे बाबा तुम लोगों का क्या हाल करेंगे। डरते हो ना सब मेरे बाबा से? अब बताओ कौन सबसे अधिक बलवान है, हाँ? पर तुमने तो छल से कार्तिक भैया को हराया, ये तो कायरों का काम है। मुझे कायर कहते हो? तुम खुद तो इंसान ही नहीं हो, हाथी की मुंडी लेके घूमते हो। अरे तुम्हें तो हम गांव में घुसने देते हैं, यही बड़ी बात है। गणेश, तूने मारा भी तो लड्डू से, इसको कहते हैं जैसी शकल वैसी ही अकल। हमेशा मेरे भाई को चिढ़ाते हो, पर उसने तुम्हें सबक सिखाने के साथ साथ तुम्हें तुरंत बचाया भी। जब चींटियां तुम्हें काटने वाली थी ना, तब तुम्हारे दोस्त तुम पर हंस रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? इन भाइयों ने मेरे ऊपर चींटी छोड़ दिए थे, इसलिए मैंने खुद के ऊपर पानी डाल के अपने आप को बचाया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग क्या भूल गए कि गोलू मेरा बेटा है और मैं अभी के अभी तुम लोगों की सारी हड्डियां तोड़ सकता हूँ। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे इस अजीब से भाई को छोड़ देता हूँ, पर आगे से तुम सब याद रखो, अगर कभी भी किसी ने गोलू को नुकसान भी पहुँचाया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम बल्लू पहलवान है। हाँ, कि गोलू गलत होके भी हमेशा जीत जाता है क्योंकि वो बल्लू पहलवान का बेटा है, इसीलिए सब लोग उससे डरते हैं और हमेशा उसी की बात मानते हैं। हाँ, और हमारे पिता इतने सीधे साधे और भोले हैं, उनसे तो कभी कोई भी नहीं डरेगा। कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती को नहीं पता था कि उनके भोले भाले पिता असल में सर्वशक्तिमान शिव जी हैं। पता नहीं ये सरस्वती इन चिड़ियों की भाषा कैसे समझ जाती है। सरस्वती, तुम ऐसे शोर क्यों मचा रही हो? अरे नंदी, ये शोर कहाँ, मैं तो इन पंछियों से बात कर रही थी। समझ आती है सारे पंछियों की बोली, ये सब मेरी किताबें मुझको सबसे ज्यादा भाती है।
कार्तिक, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है? बाबा, पता है आज मैं जीत भी गया था, पर फिर उस बल्लू पहलवान के डर से सब लोग गोलू के आगे चुप हो गए। मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया, सिर्फ ताकतवर होने से कुछ हासिल नहीं होता है। अगर तुम एक अच्छा और सच्चा इंसान बनते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, तो देखना सब लोग तुम्हारा कितना आदर करेंगे। वो बल्लू पहलवान तो कितना ताकतवर है, जरा सोचो तो, क्या कोई उसको पसंद करता है? बच्चों, जो तुम दोनों कह रहे हो वो सही रास्ता नहीं है। माँ, एक बात बताइए, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। गांव में सब लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, पर क्योंकि वो बलवान नहीं, इसलिए इनको वहाँ पे कोई इतना नहीं मानता जितना बल्लू को मानते हैं। लोग बल्लू से डरते हैं बाबा, और उसी की बात मानते हैं, क्योंकि वो शक्तिमान है। मुझे भी वैसी शक्ति चाहिए ताकि सब लोग मुझसे डरे, मेरी बात माने। स्वामी, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं क्या उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मोल नहीं? देवी, हमने ये जिंदगी इसीलिए चुनी थी क्योंकि हमें चाहिए था कि हमारे बच्चे अपने आप सब कुछ सीखें। हमें उन्हें उनकी पहचान बताने की जरूरत ही न पड़े, और देवी वही हो रहा है। कार्तिक भी अपने आप सही और गलत का अंतर समझ जाएगा। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी जिसमें तारों के बारे में लिखा हुआ है। वो देखो, वो है सप्तर्षि मंडल। मुझे तो अलग से कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे तारे एक जैसे ही तो हैं। अरे ठीक से देखो ना, ऐसे ही आकाश में तारों को देखकर ही तो हमारे मुनि ऋषियों को इस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तुम लोग हमेशा मेरे सूंड का मजाक बनाते हो, खास करके कार्तिक भैया। तुम लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते हो। ठीक से देखो, एक तारों की मंडली। अरे वाह, अब तो साफ साफ दिख रहा है। अरे वो देखो, ओम, ऐसे नक्षत्रों के बारे में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। ये तो और बड़ा हो रहा है। हाँ, इस धरती के पास ही आ रहा है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, हमें घर चलना चाहिए। ये जो भी कुछ है ये ऊपर उस जंगल में उतर रहा है। मैं तो जा रहा हूँ देखने, अगर तुम लोगों को घर जाना है तो तुम जा सकते हो। हम भी चलेंगे। यहाँ से तो अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कैसी आवाज है? नमः। लग रहा है जैसे कोई, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है, पर इतनी रात को, वो भी जंगल में। क्या पता ये मंत्र उस ओम से संबंध रखता हो, हमें वही जाना चाहिए जहाँ से आवाज आ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, और कितने दिन आप और देवी पार्वती
ऐसे ही धरती पर साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताएंगे। कार्तिकेय का जन्म भी तो एक विशेष कार्य के लिए हुआ था, तारकासुर का वध। दिव्य शक्ति के लिए कार्तिकेय अभी प्रस्तुत नहीं है। मैं और देवी पार्वती चाहते थे कि संपूर्ण रूप से योग्य होने के बाद ही हम अपने बच्चों को उनका असली परिचय बताएं, नहीं तो पूरी धरती पर संकट आ सकता है। पर वो लोग तो आप और देवी पार्वती के संतान हैं, वो क्यों शक्ति का गलत उपयोग करेंगे? इंद्र, हमारे इस मनुष्य जीवन का एक और कारण भी है। एक देवता का कार्य है मानव जाति के दुखों का नाश करना। मैं और देवी पार्वती ये चाहते थे कि हमारे बच्चे स्वर्ग में अपना जीवन आरंभ करने से पहले मनुष्य जीवन को समझें, तब कहीं जाकर वो उनके कष्टों का भी निवारण कर पाएंगे। भगवान, इसीलिए आप महादेव हैं, देवताओं में श्रेष्ठ। हम सब कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की शिक्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। वो देखो, यहाँ आज कोई चमत्कार हुआ है। हमने जो देखा वो कोई साधारण चीज नहीं थी, पर वो था क्या? आज तुम मेरे साथ खेलोगे ना? हाँ कार्तिक भैया, आज देखना हम दोनों भाइयों को कोई नहीं हरा पाएगा। अरे इस तरफ, ये लो तुम्हारे देना। अरे 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 मुझे दो, ये लो ये लो। अरे मुझे दो ना। अरे मुझे। हम लोगों को कोई नहीं हरा पाएगा। मैं तुम सबके लिए अपने घर से क्या लाया हूँ, खूब सारी मिठाई और शरबत भी। पहले सब लोग ये सब खा लो, उसके बाद फिर से खेलेंगे। गणेश, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए अलग से खाना लाया हूँ, जल्दी खाओ। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट है। अरे वाह, गणेश, गेंद तुम्हारे पास आ रहा है, उसे मेरी तरफ फेंको। गणेश, गेंद को पकड़ो। कार्तिक, गोलू और उसके दोस्तों ने गणेश के खाने में कुछ मिला दिया है, जिससे लगता है उसे नींद आ रही है, इसलिए वो खड़ा नहीं रह पा रहा है। गोलू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पता, कभी करेगा ऐसा मेरे भाई के साथ? गोलू 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 गोलू। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने फिर मेरे बेटे पे हाथ उठाया। आज मैं तुम दोनों भाइयों को गांव से बाहर फेंकाता हूँ, और आगे से अगर तुम दोनों भाई इस गांव में दिखाई दिए तो वापस अपने पैरों पर नहीं जाओगे। मुझे चला नहीं जा रहा है, मेरा हाथ पकड़ लो ना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, आज तुम्हारी वजह से हम लोग हार गए। मेरी गोलू से लड़ाई हुई और अब तो हमारा उस गांव में जाना भी बंद हो गया। अब मैं किसके साथ खेलूँगा? पर भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? उन लोगों ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था। तुम इतना खाते क्यों हो गणेश? तुमने इतनी ज्यादा मिठाई नहीं खाई होती तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। आज लड़ाई सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, और आज क्या, लड़ाई हमेशा तुम्हारे ही वजह से होती है, क्योंकि सारे लड़के तुम्हारे इस हाथी के चेहरे
और सूंड की वजह से तुम्हें चिढ़ाती है, फिर मुझे उन लोगों से लड़ना पड़ता है। जब तक तुम हमारे साथ रहोगे, लोग तुम्हारी वजह से हमेशा हमारा मजाक बनाएंगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा भाई। तुम कहीं चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारा सर तो हाथी जैसा है पर शरीर इंसान जैसा। नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ। बचपन में मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मेरे सर पर चोट लगी थी, तो मुझे बचाने के लिए मेरे बाबा ने हाथी का सर मेरे शरीर पर लगा दिया। अरे वाह, हाथी का सर लगाने से इंसान बच जाता है। पर तुम किस तरह के इंसान हो? मैंने आज तक तुम जैसा कभी किसी को नहीं देखा। तुम इंसान हो या जानवर? मैं इंसान नहीं हूँ और जानवर भी नहीं, मैं एक राक्षस हूँ। मुझे मत डरो, मैं बाकी राक्षसों की तरह बुरा नहीं हूँ। माना कि मैं राक्षस हूँ पर वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, वो सिर्फ लोगों का बुरा करते हैं, इसलिए मैं उन सबको छोड़कर भाग आया हूँ। मुझे राक्षस बनके नहीं रहना है, मैं तो अभी कितना छोटा हूँ, मुझे वो सब कुछ नहीं आता जो बाकियों को आता है। मेरे मुंह से आग नहीं निकलती है और मुझसे ज्यादा उड़ा भी नहीं जाता, बस पेड़ तक ही जा सकता हूँ। पर मुझे इंसानों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम गणेश है और तुम्हारा? मेरा नाम कुटुस आसुर है। सब राक्षसों के नाम के आगे एक आसुर होता है, तुम मुझे कुटुस भी कह सकते हो। ये तुम अपने कान से नीले रंग का पानी क्यों निकाल रहे थे? वो मैं रो रहा था, जब राक्षस रोते हैं तब उनके कान से नीले रंग का पानी निकलता है। पर तुम रो क्यों रहे थे? मुझे सब लोग बहुत चिढ़ाते हैं, मेरे पास एक ही सिंह है ना, और सारे राक्षसों के पास दो सिंह होते हैं, इसलिए सब लोग मुझे ताना मारते हैं। अभी तो मैं उन सबको छोड़कर भाग आया हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे शरीर की वजह से सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं, और आज तो मेरे अपनों ने कहा कि उन्हें मुझ जैसे भाई नहीं चाहिए। तुम रो मत, अब से हम दोनों दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। गणेश कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। गणेश? असल में गांव में उसके काफी दोस्त हैं, उन्होंने ही उसे आज रात अपने घर पे रुकने के लिए कहा है। गणेश के भी दोस्त बनने लगे हैं, अच्छी बात है। रात में जंगल से कितनी अजीब अजीब सी आवाजें आती है ना? हाँ, कभी बहुत तेज हवा चलने की आवाज, कभी जंगली जानवरों की आवाज, पता नहीं उस जंगल में क्या क्या है। किसी को अगर रात को अकेले उस जंगल में रुकना पड़े तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अपने दोनों हाथों को ऊपर करो, ये ऐसे, नहीं थोड़ा और नीचे, फिर अपने सर को झुकाओ और उड़ जाओ। अरे अरे, शायद तुम ऐसे नहीं उड़ पाओगे। एक काम करो, जब तुम अपने हाथ ऊपर करोगे तब अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र बोलना। हमारे यहाँ जो राक्षस औरतें होती हैं, वो अपने छोटे बच्चों को ऐसे ही उड़ना सिखाती है। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ ना, इसलिए मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद मोटे बच्चे उड़ नहीं पाते हैं। गणेश, गणेश तुम कहाँ हो? गणेश, गणेश तुम कहाँ हो?
कार्तिक भैया, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी मिठाई लेके आया हूँ। आज माँ ने घर पे बहुत अच्छे मोदक बनाए हैं और तुम्हें तो अब तक बहुत भूख लग चुकी होगी। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ खाता रहता हूँ ना। गणेश, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आज मैंने भी रात को कुछ नहीं खाया है। मुझे कोई दूसरा भाई नहीं चाहिए, तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो। तो हमें सही समझा था, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था और इसलिए गणेश इस जंगल में बैठा हुआ है। चलो बताओ क्या हुआ था। वो कुछ नहीं, मैं कुछ भी काम ठीक से नहीं करता हूँ ना, इसलिए भैया ने थोड़ा सा डांट दिया था। ये कौन सा जानवर है गणेश? भैया ये जानवर नहीं, राक्षस है, मेरा दोस्त कुटुस। अरे तुम लोग इसे डरो मत, ये बहुत अच्छा है और कितना छोटा भी तो है। इसे अपने शहर में कोई नहीं प्यार करता, इसलिए ये यहाँ आ गया है। इसे भी अपने साथ लेके चले। तो चलो तुम भी हमारे साथ घर चलो। कुटुश, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम यहाँ पर रह रहे हो, बस जब माँ आ जाए तब तबेले में छुप जाना, ठीक है? कुटुश, हमें राक्षसों के बारे में बताओ ना, वो कैसे होते हैं? राक्षस बहुत खतरनाक होते हैं। काश मैं भी उन राक्षसों की तरह ताकतवर होता, पर मुझे उनके जैसा नहीं बनना है, वो अच्छे नहीं हैं। क्या ये राक्षस किसी से नहीं डरते, देवताओं से भी नहीं? सारे राक्षस देवताओं से नहीं डरते, जो दानवों का राजा है तारकासुर, वो तो किसी से भी नहीं डरता है। पर हाँ एक देवता है जिससे सारे दानव डरते हैं, जो इस विश्व का सबसे ताकतवर पुरुष है, भगवान शिव जी। राक्षस भी शिव जी को पूछते हैं और कोई भी उनके असंतोष का कारण नहीं बनना चाहता। मैं शिव जी के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मुझे भी उनकी तरह शक्तिशाली बना दें। चलो हमें शिव जी को ढूंढना होगा। चलो चलो चलते हैं। नहीं, अब तो आवाज नहीं आ रही है, पर ये आवाज थी किस चीज की? यहाँ पर कोई तो है। ये नंदी यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं उसने कुटुश को देख लिया तो? यहीं पर लग रहा है, यहीं पर कोई है। तुम कब आई? मैं तो बहुत पहले से यहाँ पर हूँ, तुम ही ने नहीं देखा। तभी तो मुझे लग रहा था कि कोई तो है। नंदी एक बार जल्दी से बाहर आओ ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। नहीं नहीं पहले तुम बाहर तो आओ। ये क्या कर रहे हो? अरे उसने इतने जोर से अपने पूंछ से सिंह पे मारा, लगता है ये ढीला हो गया है। नंदी क्या तुम कभी उस गांव से आगे गए हो? अरे ये गांव तो क्या, मैं तो तुम्हारे बाबा के साथ उस पहाड़ से भी आगे गया हूँ। इतने गांव, कितने शहर देखे हैं मैंने, कितने लोगों से मिला हूँ मैं। तुमने कभी शिव जी को देखा है? अरे उन्हें देखने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, वो तो हाँ हाँ बोलो बोलो। तुम किसका नाम ले रही थी? हम तुमसे शिव जी के बारे में पूछ रहे थे, तुमने कभी उन्हें देखा है? शिव जी? नहीं नहीं मैंने तो कभी ये नाम भी नहीं सुना। वैसे तुम लोगों को किसने बताया? अरे तुम इतनी जगह जाते हो,
तुमने कभी उनका नाम नहीं सुना? पुटुस विश्व के सर्वशक्तिमान पुरुष है, तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ, मेरा मतलब किसी किसी गांव में कुछ लोग उनकी पूजा तो करते हैं। मुझे हल्का सा कुछ कुछ याद तो आ रहा है। तो बताओ ना, शिवजी हमें कहाँ मिलेंगे? वो कहाँ रहते हैं? पता तो है ना, वो तो ईश्वर हैं, तो आकाश में ही रहते होंगे। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस ऐसे ही बकरे हो। चलो हम शिवजी के बारे में बाबा से पूछते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। बाबा, आप भगवान शिव के बारे में जानते हैं? क्या वो सच में सर्वशक्तिमान है? ये नाम तुम लोगों को कहाँ से पता चला? वो कुटुष। कुटुष? मतलब कुटुष क्या है? वो तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो गांव में एक नया बच्चा आया है, उसका नाम कुटुष है। तो उसका बड़ा भाई हमें बोल रहा था शिव जी के बारे में। शिव जी एक भगवान है, जैसे कि हमारे बाकी देवी देव। बस इससे ज्यादा उनके बारे में बताने लायक कुछ नहीं है। पर बाबा, वो सारे देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उनकी पूजा करूंगा, ताकि वो हमसे खुश हो जाए और हमें भी उनके जैसी शक्ति दे दे। उनके बारे में हमें बताइए ना बाबा। कार्तिक, अगर तुम एक अच्छे इंसान बनते हो तो भगवान उसी से खुश होते हैं, उन्हें कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए। और अगर तुम बुरे हुए तो कितनी भी पूजा कर उसका फल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और जो बच्चे दिन भर शैतानी करते हैं, अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं, उन्हें भी भगवान पसंद नहीं करते। अब तुम लोग जाओ, जाओ जाके पढ़ाई करो। अच्छा, आज सुबह तुम गायब कैसे हो गए? माँ को तो बस तुम्हारे कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं दिखा। अरे वो तो सबसे आसान है, ये देखो। अरे वाह, तुम राक्षसों को तो बहुत कुछ आता है। हाँ हाँ आता है, पर मेरी उम्र के राक्षस को इतना कुछ नहीं आता। वो तो मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी सीख लिया। चलो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। मान गए तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, तुम राक्षस हो, और मैंने सुना है राक्षस अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं, वो भी करके दिखाओ ना। वो एक ही चीज मुझे आज तक नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश की है पर मेरे मुंह से आग निकलती ही नहीं। अरे तुमने ढंग से कोशिश ही नहीं की होगी, तुम राक्षस हो तो तुम्हारे मुंह से आग निकलनी ही चाहिए। तुम्हें इतना कुछ आता है और ये नहीं आता? नहीं नहीं, मैंने सच्ची कोशिश की है। पर ये तो राक्षसों में बच्चे बच्चों को आता है, पर तुम्हें नहीं आता। तुमने और कितने राक्षस के बच्चे देखे हैं? मैं एक और बार कोशिश करता हूँ। जब ये बोल रहा है कि उसे नहीं आता तो जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? तुम्हारे वजह से बेचारे का गला जल गया। पर ये तो राक्षस है, मुझे क्या पता आग निकालते हुए इसका गला जल जाएगा। नहीं नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही नहीं आता है इसलिए। अरे तुम कोई बड़े राक्षस थोड़ी हो, तुम तो अभी भी छोटे बच्चे हो, तुम्हें जो आता है वही बहुत है। मुझे शिवजी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। ब्रह्मा विष्णु लगे झगड़ने, खुद को बड़ा समझ कर प्रकट हुआ शिवलिंग, सुना आकाशवाणी का स्वर। ब्रह्मा विष्णु तुम शिवलिंग का शिखर और दिल खोजो, सच मुझ में है कौन बड़ा ये जान जाओगे दोनों। दोनों कोशिश करके हार तक प्रकट हुए शिव शंकर, जान गए दोनों नहीं कोई शिव से बड़ा यहाँ पर। हाँ, राक्षस भी शिव जी की पूजा करते हैं, नहीं तो वो सबका विनाश कर सकते हैं। ये शिव जी दिखते कैसे हैं? शिव जी ने सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी
हर किस्म की विपत्ति से बचाया है। शिव महादेव बागंबर धारे तंते भस्म लगाए, जहाँ भी सागर मंथन हो रहा था वहाँ पे आए, गले में पहने सर्प की माला गंगा लिए जटाओं में, सागर मंथन का कोला गूंजे सभी दिशाओं में, मंदरा चल गिरी बना मथानी नागवासुकी डोर बने, देव और दानव दोनों दो छोर पकड़ कर मथने लगे, पर्वत के घर्षण ने जिस पर सागर तल में छिद्र किया, तब श्री नारायण विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया, मंथन से जब विष निकला तो देव असुर जन घबराए, मंथन से जब विष निकला तो देव असुर जन घबराए, तब शिव ने विष पान किया और वो खुद विष पी गए ताकि बाकी देवताओं को अमृत मिले और ये पूरा संसार उस विष के प्रभाव से बच जाए। पर शिव जी हमें मिलेंगे कहाँ? क्योंकि वो भगवान है, इसलिए क्या वो हम इंसानों को कभी नहीं दिखाई देंगे? इस किताब में लिखा है कि महाशिवरात्रि की रात वो धरती पर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। अगर उस दिन हम उन्हें ढूंढते हैं तो क्या पता वो हमें दिख जाए। और महाशिवरात्रि तो बस 2 दिन के बाद है, इसका मतलब बस 2 दिन के बाद हम लोग शिव जी को देख पाएंगे। पिताजी, हम शिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि शिव जी हमें सभी तरह के मुश्किलों से बचाएं। आज शिवरात्रि है, मैं देर से लौटूंगा। आज का दिन सिर्फ मेरे भक्तों के लिए है। आज मैं पूरी धरती की सैर करूंगा, उन सबको आशीष दूंगा। इसमें आपके लिए कुछ भोजन की सामग्री है, आप सुबह होने से पहले आ जाना। मैंने भी उपवास रखा है शिवरात्रि का। माँ, आज हमें अनुमति दीजिए, आज हम सब रात तक गांव में रहेंगे और महाशिवरात्रि की पूजा देखेंगे। रात तक बस तुम चारों? माँ, हमने सुना है कि आज के दिन शिव जी धरती पर उतर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, हमें भी आज उनको देखना है। तुम लोगों को शिवरात्रि की पूजा देखनी है ना? तो चलो मैं तुम लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। तुम लोगों को जहाँ जहाँ जिस गांव में जिस मंदिर में जाना है बस बता देना, मैं साथ में लेकर चलूंगा। देखना कोई भी बिना दक्षिणा दिए मंदिर के अंदर न जाने पाए, और दक्षिणा भी अच्छा वाला, ऐसा नहीं कि भिखारियों की तरह ठन्नी दे दी और दर्शन कर लिए। अरे कहाँ चले जा रहे हो, सुना नहीं मेरे बाबा ने क्या कहा? पहले दक्षिणा फिर दर्शन। इतने सारे गांव में घूमे, शिवजी तो हमें कहीं भी नजर नहीं आए। सरस्वती, तुम कह रही थी कि शिवजी के विशाल जटाए हैं, वो बाघ की खाल का पोशाक पहनती है, उनके माथे पे 3री आँख है। आज हमने ऐसे किसी को भी नहीं देखा। लगता है तुम लोगों को बातें याद नहीं रहती, मैंने तुम दोनों को गांव में घुसने से मना किया था। बल्लू, आज शिवरात्रि है और पूजा के दिन भगवान के पास कोई भी भक्त आ सकता है, उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। पूजा कर ली, दक्षिणा नहीं दोगे? मैंने और मेरे बच्चों ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की, और भगवान को पूजने के लिए पैसे जरूरी नहीं होते। कौन कहता है कि जरूरी नहीं होता? तुम जैसे भिखारी ही बिना दक्षिणा के पूजा करने की बात कर सकते हैं। अरे कम से कम पूजा के दिन तो भगवान के लिए कुछ पैसे अपने जेब से निकालते। कार्तिक, क्या तुम बल्लू पर हाथ उठाने जा रहे? अगर हम भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे तो उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? चुपचाप चले जाने के सिवा और तुम लोग कर भी क्या सकते हो? मेरे बाबा का मुकाबला करना तुम लोगों की बस की बात नहीं है, और जिसके बाबा तुम लोगों के जैसे कमजोर हो
उसे किसी से लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। शिव जी, मेरे बाबा को भी बल्लू जैसा ताकतवर बना दो ताकि वो बल्लू को सबक सिखा सके। भगवान, आज मेरे पास पूजा में चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। 2 महीने पहले जो बाढ़ आई थी उसमें मेरा घर, मेरे खेत सब कुछ डूब गया। यहाँ बैठ के रोने से क्या तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे? जाओ यहाँ से, बाकी भक्तों को आने दो। लोग हैं, क्या शिवजी उन सबकी मदद करेंगे? बेटा, लगता है भगवान आज सिर्फ गरीब को ही अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर मुझे सोने का सिक्का पाना है तो मुझे भी गरीब बनना पड़ेगा। वो जहाँ भी हो, आज रात अगर वो हमारे बीच में है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, उन सब की मुश्किलों का आज अंत हो। मेरे पैर ठीक हो गए। आज हमने कितना कुछ सीखा, नहीं? शिवजी की लीला को देख पाए हम लोग, पर उन्हें कहाँ देख पाए? वो हमारे सामने तो प्रकट ही नहीं हुए ना। सरस्वती, उस शिव पुराण में और क्या क्या लिखा है? बहुत कुछ। कैसे शिवजी की शादी देवी पार्वती से हुई, देवी पार्वती को कितनी तपस्या करनी पड़ी उनके लिए, और पता है उन दोनों की शादी क्यों हुई? क्योंकि उनका जो बेटा होगा कार्तिकेय, वो बड़ा होके दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस तारकासुर का वध करेगा। उनके बेटे का नाम कार्तिकेय होगा, मेरे जैसा? बस नाम ही तुम्हारे जैसा है। कार्तिकेय तो सारे देवताओं का सेनापति बनेगा, और तुम तो बल्लू पहलवान से भी डरते हो। जैसे कि तुम सब लोग नहीं डरते। कुटुस, तुम यहाँ इस वक्त? मुझे तुम लोग को एक जरूरी बात बतानी है। ये जो मेरा सिंह देख रहे हो, इसके जरिए राक्षस घर से हम लोगों को संकेत पहुँचाया जाता है। राक्षस घर? वो क्या होता है? जहाँ राक्षस रहते हैं, जहाँ से मैं आया हूँ। सारे राक्षसों को उनके सिंह के जरिए संदेश पहुंचता है, और मेरे पास एक ही सिंह है, इसलिए कोई भी संदेश हो वो मेरे पास देर से आता है, और ऊपर से नंदी की वजह से ये थोड़ा ढीला भी हो गया है। अब बताओ तो सही, क्या पता चला है तुम्हें? आज दानवों का हमला होगा नीचे गांव में, पहाड़ के उस पार जंगल में। आज वो लोग बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा हमला करने वाले है। यहाँ पे इतनी खतरनाक घटना होने वाली है, मैं चुप नहीं बैठ सकता। कोई मदद न भी कर पाऊँ, कम से कम ये तो देख पाऊंगा कि राक्षस होते कैसे हैं और वो क्या करते हैं। क्या पता बड़ा होकर शिवजी के बेटे कार्तिकेय की तरह मुझे भी एक दो असुर को मारना पड़े। कार्तिक सही कह रहा है, जब पता चल ही चुका है तो हमें जाना चाहिए। राक्षसों ने जंगल में आग लगा दी है। वो इस जंगल में किसी को नहीं छोड़ेंगे, जानवरों को भी नहीं। इन पशु पक्षियों के साथ खेल के ही तो हम बड़े हुए हैं, हमें इन्हें बचाना ही होगा। तुम सब नीचे जा।
झील के चारों भागो, पानी में कोई आग नहीं लगा सकता। तुम लोग अपने साथियों को भी ये बता दो। सब लोग इस झील से बाहर निकलो। उस राक्षस ने पानी में जहर मिला दिया है। और कोई गलती से भी एक बूंद पानी मत पीना। हमें जल्दी भागना होगा इससे पहले कि वो राक्षस झील के इस पार आ जाए। सरस्वती जली, वो जहर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। कुटुश, तुम्हारी वजह से हम लोग जंगल में पशु पक्षियों को बचा पाए, पर ये लोग। एक तरीका है, तुम सबको बोलो शिव मंदिर की तरफ जाए। जो भी उस मंदिर के अंदर होगा वो इन राक्षसों से बच जाएगा। जल्दी जाइए, जल्दी। किसी को न सही, कम से कम इस बच्चे को मैं बचा के ही रहूंगा। जब तक मेरे हाथ में ये त्रिशूल है तब तक कोई मुझे नहीं छू सकता। राक्षस वापस चले गए। अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। इतनी आसानी से? जरूर कोई बात है। दूसरा नाम शंकर है और वो हमारे पिता है। इसका मतलब हमारी माँ अन्नपूर्णा भी देवी पार्वती है। और हम शिव जी और देवी पार्वती के बच्चे। इसका मतलब हम आम इंसान नहीं, हम भी देवता हैं। और मैं कार्तिकेय हूँ, देव सेनापति कार्तिकेय। और मैं ही इस दुनिया के सबसे बड़े राक्षस तारकासुर का विनाश करूँगा। हम शिव जी और देवी पार्वती के बच्चे हैं, फिर भी हमारा इतना अपमान होता है। हाँ, हम लोग कोई साधारण इंसान थोड़ी है, हम भी तो देवता ही हुए ना। इन लोग को तो हमें पूजना चाहिए, पर उल्टा हमारा अपमान करते हैं। इसका मतलब हमारे माँ और बाबा भी हर रोज एक बार अपना असली रूप धारण करते हैं। वो लोग अपने दिव्य रूप में वापस आ रहे हैं। हम
हमारी माँ इस जगत की सारी शक्तियों का आधार है, इसलिए उनको माँ शक्ति बुलाते हैं। लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारी माँ को ही पूछते हैं। माँ का ऐसा रूप, हाथ में 10 शस्त्र, कभी सोचा भी नहीं था। हमारी माँ अपनी शक्ति से दुष्टों का विनाश करती है और उसी शक्ति का छोटा सा हिस्सा वो इंसानों को भी देती है, ताकि वो अपने जिंदगी में सारी मुश्किलों से लड़ सके। जैसे कि माँ दुर्गा सबको शक्ति प्रदान करती है, उसी तरह शिव जी का त्रिशूल हम सबकी रक्षा करता है और इस सृष्टि को विनाश से बचाता है। उन सभी शस्त्रों की शक्ति उस कलश के पानी में समा गई है। वो लोग वापस आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी सो जाते हैं। इसका मतलब उस कलश के पानी में दिव्य शक्ति है। तुम फिर से आ गए इस अद्भुत प्राणी के साथ। कोई मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, और अगर बोला तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे बाप रे, तुम्हारी तो जबान भी चलने लगी है। भूल गए मेरे बाबा ने पिछली बार तुम लोगों का क्या हाल बनाया था? इसका बाबा क्या कर सकता है, उसकी चर्चा नहीं करे तो अच्छा है। अभी तो यहाँ पे हम लोग हैं, और हम लोगों को भी पूरा अधिकार है कि हम यहाँ पे खेले। और अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम मुझे बताओ। बोलू, कार्तिक बहुत गुस्से में लगता है, आज हम लोग और विवाद नहीं बढ़ाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे अब बता, कभी मुझे जानवर बुलाएगा? कभी मेरे बाबा का अपमान करेगा? तुम लोग कर क्या रहे हो? मारो इन दोनों को, नहीं तो मैं बाबा को बता दूंगा कि तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की। जैसे अजीब नमूने को इंसानों के बीच रहने का कोई हक नहीं है। बल्लू काका, अभी के अभी मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। कार्तिक भैया, क्या तुम? तुम्हें डराने के लिए और कुछ नहीं मिला? तुम पानी लेकर आए हो? तुम्हें देखना है ना मैं क्या कर सकता हूँ। देखो। तुमने पानी से आग जलाया? मैं तुम लोगों को कह रहा था, हमारे साथ छेड़छाड़ करोगे तो अच्छा नहीं होगा। हमारे पास जादुई शक्ति है, आगे से कोई मेरे भाई को परेशान करेगा? नहीं। अब हम सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे कार्तिक, तुम्हारे पास जादुई शक्तियां जो है, पर अब तुम ये आग बुझा दो। देखो आग खेत की तरफ पहुंच रही है, और खेत में तो हमारे पूरे साल की फसल है। पर अपनी बातें याद रखना, और आग तो पानी से बुझ ही जाएगा। चलो सब लोग पानी लेके आते हैं। ये आग तो बुझ ही नहीं रही है कार्तिक भैया, अब क्या करें? मुझे पता नहीं है, मैंने तो बाबा के कलर से थोड़ा सा ही पानी चुराया था। मुझे लगा गांव में सबको एक बार डरा देंगे, फिर आगे हमें कभी मुश्किल नहीं होगी। पर ये आग खेतों तक पहुंच गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम खड़े खड़े मुझसे बात ही मत करो,
और पानी डालो। भगवान बचाओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। पल्लू से जो भी गलती हुई है उसकी सजा तुम हम लोगों को मत दो। ऐसा मत कीजिए। फसल एक बार नष्ट हो गई तो हम सब खाएंगे क्या? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। कुछ कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हम हमें बचाइए। हम हमें बचाने जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम आपके शरण में आए हैं। हमें ये क्या हो गया गणेश? मैंने उन लोगों की पूरी साल की मेहनत को जला दिया। मैंने क्यों ऐसा जादू किया जिसे रोकना हमें आता ही नहीं? मेरे घर को बचाओ। ये तो गांव वालों की आवाज है। गांव में कुछ हुआ है? देवी, आज कोई हमारे पूजा स्थल में आया था, आपने किसी को देखा क्या? नहीं तो, कोई भी नहीं आया। हाँ, बस कार्तिक आया था और उसने मुझसे कहा कि आज इस कक्ष की सफाई में वो मेरी सहायता करेगा। कार्तिक, इसका अर्थ है तुम लोगों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब पता चल गया शक्ति क्यों सबको प्राप्त नहीं हो सकती, और अगर वो शक्ति किसी ऐसे को प्राप्त हो जाए जो उसके योग्य नहीं है तो क्या हो सकता है? आज तुम्हारी वजह से पूरा गांव दुखी है। बाबा, हमसे गलती हो गई। देवी, हमारे इतने सालों के प्रयास व्यर्थ हो गए। अब इस मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं। हम लोग कैलाश लौट चलते हैं। मेरी गलती है, पर उसकी सजा सिर्फ गांव वालों को नहीं, मेरे भाई बहनों को भी मिली। माँ बाबा मुझे छोड़ के चले जाते, पर मेरी वजह से उन लोगों को क्यों अकेला छोड़ दिया? मैं इसका प्रायश्चित करके रहूंगा। मैं अपने भाई बहनों को और उस पूरे गांव को उनकी खुशी लौटा दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कार्तिक, हम लोग कर पाएंगे ना? गांव में से तो कोई भी हमारे साथ नहीं आया। प्रभु, आप हमारे ईश्वर हैं। आप लोग संकट में हैं, मुझे आपकी सहायता करने का एक अवसर दीजिए। तुम क्या करोगी? कार्तिक, हम अकेले नहीं हैं। गांव वाले हमारे साथ नहीं आए तो क्या हुआ? हमारे दूसरे दोस्त तो हमारे साथ हैं। अब ये मिट्टी तैयार हो चुकी है, यहाँ पे अब आप बीज बो सकते हैं। चलो, आज के लिए बस एक ही काम बचता है, इन खेतों में पानी डालना। क्वैक 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 क्वैक, क्यों आप भूल गई? उस दिन जब तालाब में जहर घुल गया था तब आपने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई थी। क्वैक 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 क्वैक। एक बात बताइए, आपको लगता है आपने शक्ति का गलत उपयोग किया है, पर वो तो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि आपको शक्ति का सही प्रयोग आता ही नहीं था। पर ये संभव कैसे होगा? दिव्य शक्ति हमको कहाँ से मिलेगी? आज मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ। दानवों के गुरु है शुक्राचार्य, उनकी और देवताओं के गुरु विश्वपति की शिक्षा एक ही साथ हुई थी। उनको पता है देवताओं को अपनी शक्ति कहाँ से मिलती है। शुक्राचार्य अपने शिक्षा को
कोई शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, पर बहुत कम राक्षस है जिनमें वो अनुशासन है कि वो सब कुछ सीख सके। इसलिए बहुत कमी होते हैं जो देवता की बराबरी कर पाते हैं। पर ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु है, हमें थोड़ी ना सिखाएंगे। आप लोग सब कुछ अपने आप सीख सकते हैं। राक्षस घर में एक बहुत बड़ा पुस्तक भवन है जहाँ पर ढेर सारे पुस्तक रखे हुए हैं। उसमें से एक पुस्तक है जिसमें उन शक्तियों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उसके लिए आपको राक्षस घर जाना होगा। हम तैयार हैं। कुटुश, तुम जहाँ बोलोगे हम लोग वहीं जाएंगे। पर ये राक्षस घर है किधर? राक्षस घर ना तो इस धरती पे है, ना पाताल में, और ना ही स्वर्ग में। वहाँ पर तो वो ही जा सकता है जिसे राक्षस मंत्र आता हो। तुम लोग सब मेरा हाथ पकड़ो। वूश, वूश, वूश। तुम लोग को अभी बेस बदलना होगा ताकि किसी को ये पता ना चले कि तुम राक्षस नहीं इंसान हो। ये है पुस्तक भवन। मैं इस दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा। अगर मुझे कोई भी संकट का आभास होता है तो मैं तुम लोगों को सावधान कर दूंगा। गणेश, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी पुस्तक है? सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ये मेरी मामा की बेटी है, मुंडमाला। अच्छा, इसके पैर की उंगलियां काली क्यों नहीं है? बचाओ, कोई हमारी मदद करो, बचाओ, बचाओ हमें। अरे ये तो कुटुश के चीखने की आवाज है, मतलब कोई गड़बड़ है। गणेश, तुम सरस्वती को लेकर जल्दी बाहर आओ। कार्तिक भैया ने हमें निकलने के लिए बोला है, पर इस पुस्तक का आखिरी अध्याय तो अभी बाकी है। ये शोर कैसा? सरस्वती जल्दी निकलो, अगर ज्यादा देर करेंगे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम राक्षस नहीं, इंसान हो। सही बताओ, यहाँ क्यों मरने आई हो? और कौन कौन है तुम्हारे साथ? वो देखो। विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग कैसे बाल बाल बचे? और इस बार कोई और नहीं, हम लोगों ने ये काम किया। उस पुस्तक में से हमने जो भी सीखा ये उसकी पहली निशानी थी।
ये तो सही में असली फसल है, जादू की नहीं। चलो सब लोग उठ जाओ। आज लगता है सुबह जल्दी हो गई। ऐसा नहीं लग रहा कि अब भी सोए थे। ये इन राक्षसों की माया है, इन्होंने रात को दिन में बदल दिया है। आप लोग जल्दी भाग के अपने गांव पहुंचिए। रात खत्म होने में अभी ज्यादा देर नहीं है। हम लोग तब तक इन राक्षसों को रोकने की कोशिश करेंगे। जाइए आप। लक्ष्मी उठो, सरस्वती क्या हो गया है तुम्हें? मेरे बच्चों ने ये प्रमाण कर दिया कि वो हमारे योग्य बच्चे हैं और अब उनका देवलोक में जाने का समय आ चुका है। कुटुश, तुमने इतनी छोटी उम्र में सही और गलत का फर्क सीखा है और अपने राक्षस मित्रों को त्याग दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, कोई भी राक्षस तुम्हें कभी भी हानि नहीं पहुँचा पाएगा। मुझे पता था हमारे बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते। प्रभु, अब हमारे बच्चे सही मायने में देवता बनने के योग्य हुए हैं। सही कहा आपने पार्वती, मुझे भी सालों से इसी दिन की प्रतीक्षा थी। लक्ष्मी, मनुष्य जाति का सुख समृद्धि और धन संपत्ति मैं आज से आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके घर में कभी कोई चीज की कमी ना रहे। सरस्वती, आप होंगी हर प्रकार की विद्या और कला की देवी। गणेश, आपको लोग सिद्धिदाता के नाम से जानेंगे। हर काम की सफलता के लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक होगा और कोई भी देवता की पूजा करने से पहले इंसान को आपकी पूजा करनी पड़ेगी। कार्तिक, इन लोगों को मैंने मानव जाति के कल्याण का उत्तरदायित्व सौंप दिया है और आपके ऊपर है देवलोक का उत्तरदायित्व। आप हमारे सेनापति बनेंगे
और इस देवलोक को दानवों के आक्रमण से बचाएंगे और तारकासुर का अंत भी करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।